Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video, we are going to learn general knowledge of class 7th. Topic is Volcanicity, page number 21. Let's start. Volcanoes are among the most interesting phenomena on the earth. The word volcano comes from Vulcan, the Roman god of fire in mythology. A volcano is an opening or a vent on the earth's surface from which hot molten magma and gases gush out as lava. Once the lava cools down, it makes a landform mostly conical like a mountain. A volcano from which eruptions still take place is called an active volcano. A volcano which is not erupting but many erupt in future is called a dormant volcano. A volcano which is not expected to erupt again at any time is called an extinct volcano. ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है. ज्वालामुखी शब्द पौराणिक कथाओं मैथोलॉजी से लिया है. बल्कन रोमन गॉड ऑफ फायर से आया है. एक ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उद्घाटन या वेंट है जिसमें से गर्म पिघला हुआ मैग्मा और गैसें निकलती हैं लावा के रूप में. एक बार जब लावा ठंडा हो जाता है तो यह माउंटेन की तरह लगता है. एक ज्वालामुखी जो कभी भी मतलब अभी के अभी फट सकता है उसे कहते हैं सक्रिय वोल्केनो. एक ज्वालामुखी जो अभी नहीं फट रहा लेकिन फ्यूचर में फट सकता है उसे बोलते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो. एक ज्वालामुखी किसी भी समय फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे कहते हैं एक अतिरिक्त वोल्केनो. टेक द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर वन, द मोल्टेन मैग्मा विच कम्स आउट एज लावा ऑक्यूर इन द डैश ऑफ द अर्थ. एक पिघला हुआ लावा मैग्मा जो लावा के रूप में बाहर आता है वह पृथ्वी पर होता है. मैग्मा चैम्बर ऑफ द मेंटल इनर कोर. आंसर इज मैग्मा चैम्बर ऑफ द मेंटल. नंबर टू, द रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड दैट रॉक. लावा के ठंडे होने और जमने से बनने वाली चट्टान को कहा जाता है मेटामॉर्फिक इग्नीशियस. आंसर इज इग्नीशियस. नंबर थ्री, द जियोलॉजिस्ट हु स्टडी वॉल्केनोज आर कॉल्ड. भूवैज्ञानिक जो ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्मोलॉजिस्ट वॉल्केनोलॉजिस्ट. आंसर इज वॉल्केनोलॉजिस्ट. नंबर फोर, अ कॉनिकल वॉल्केनो विद अ होल वेंट इन द सेंटर ऑफ लावा टू फ्लो आउट इज कॉल्ड अ. लावा के प्रवाह के लिए केंद्र में एक छेद वेंट के साथ इकोनोलॉजिकल ज्वालामुखी को कहा जाता है सिंडर कोन शील्ड वॉल्केनो. आंसर इज सिंडर कोन. नंबर फाइव, अ डोरमेट वॉल्केनो डोरमेट ज्वालामुखी विल नेवर इरप्ट अगेन मे इरप्ट अगेन. आंसर इज मे इरप्ट अगेन. नंबर सिक्स, यूज लावा इरप्शन ऑन द ओशन बेड्स ओवर टाइम पाइल अप एंड राइज अबव द वाटर्स टू फ्रॉम यूज आइसलैंड्स. समय के साथ समुद्र के विस्तारों पर विशाल लावा का विस्फोट हुआ और विशाल द्वीपों को बनाने के लिए पानी के ऊपर उठ गया. ट्रू और फॉल्स. एंड द आंसर इज ट्रू. नंबर सेवन, अ स्ट्राटो वॉल्केनो और अ कंपोजिट वॉल्केनो इज अ वॉल्केनो फॉर्म्ड बाय. स्ट्राटो वॉल्केनो और कंपोजिट वॉल्केनो एक वॉल्केनो की फॉर्म है. वन टाइम इरप्शन लेयर्स स्ट्रेटर्स ऑफ इरप्शंस ओवर टाइम. आंसर इज लेयर्स ऑफ इरप्शंस ओवर टाइम. नंबर एट, द जियोलॉजिकल रीजन्स
prone to volcanoes where underlying mantle holds a lot of molten magma are called. भूगर्भीय क्षेत्र ज्वालामुखी की ओर प्रवृत्त होते हैं जहाँ अंतर्निहित मेंटल में बहुत अधिक पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसे कहा जाता है हॉटस्पॉट फायर प्लेसेस. आंसर इज हॉटस्पॉट्स. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.